This is Prabhat Ranjan. Welcome to Sri Krishna Classes, a complete online education hub के through. आज का हमारा video lecture quadratic equation का second video lecture होगा और इसमें हम दो basic funda को दो basic concept को सीखने वाले हैं जो कि solution of quadratic equation using square method, using completing the square method और एक दूसरा है formula method को. आइए हम लोग discuss करते हैं पहला solution of quadratic equation using completing the square method. Okay? देखिए चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं. टॉपिक हमारा क्या है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग completing the square method. Completing the square method. Okay, dost. देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि वो उस इक्वेशन को क्या करेंगे कि परफेक्ट रूप से क्या बनाएंगे, उसका स्क्वायर बनाएंगे. उस स्क्वायर को बनाते हुए हम क्या इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे. आइए देखते हैं इसका पहले कुछ हम बेसिक पर बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट पर बात करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेनली हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के ये शुरू स्टार्ट करने से पहले उसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना होगा. तो आइए इस स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ओके, और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये मस्ट है, ये लिखना जरूरी है. अगर हम लोग ये नहीं लिखते हैं तो ये क्या है कि हमारा ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो लिखा हुआ है ये क्या इनकम्प्लीट लिखा होगा. ओके, अगर इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो तब ये क्या हम कंप्लीटली रूप से बोल सकते हैं कि यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट रूप से डिफाइन है. आइए देखते हैं कि स्क्वायर में ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है. बेसिकली क्या करते हैं कि इस जो इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है इसको क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं, स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. आइए देखिए क्या करते हैं स्क्वायर बनाने के लिए. देखिए जो स्क्वायर बनाने की ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हम कुछ क्या करते हैं, इसमें थोड़ा कुछ माइंड सेटअप करते हैं. इसमें क्या करते हैं, जो इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशियंट है उसको हम क्या बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं. देखिए यूनिट कैसे बनाते हैं, अगर इसका हम कुछ आपसे बात करें कि जो ये इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ जो लिखा हुआ है इसका जो देखिए जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशियंट क्या है, ए है. हमको ए को क्या करना है, इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है. देखिए इसको रिप्लेस कैसे करते हैं, अगर इस इक्वेशन को रिप्लेस करते वक्त हम ये करें कि इसमें सारे इक्वेशन में ए का डिवाइड कर दे, ए का डिवाइड कर दे तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है कि इसको हटाना है. आइए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ओके, अब देखिए इस सारी इक्वेशन में क्या करें, डिवाइड कर दे, ए का डिवाइड कर दे, डिवाइड बाई ए. ओके, डिवाइड बाई ए, देखिए ए का डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. देखिए आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आफ्टर डिवाइड करने के बाद जो ये इक्वेशन आया इसमें हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. आइए हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब देखिए इसको हम लोग कुछ ऐसा क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, कुछ ऐसा सेट करेंगे, कुछ ऐसा अरेंज करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि उसमें क्या होगा कि हमारा ये 2ab के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए और ये जो हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन लिखा होगा इस इक्वेशन में कोई भी चेंज ना हो, वही ओरिजिनल का ओरिजिनल इक्वेशन ही डायरेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ए कितना है, एक्स है, एक्स प्लस इंटू बी अपॉन टू ए
अब देखिए ये अगर हम एक बार थोड़ा कंसंट्रेट करें, ये जो हमारा मिडिल जो टर्म ये जो लिखा हुआ है, ये जो मिडिल टर्म लिखा हुआ है, ये देखिए अगर 2-2 से ये कैंसिल कर दे तो ये हमारा बी एक्स अपन ए लिखा हुआ है, यही हमारा ये मिडिल टर्म यहाँ हम लिख दिए। बस इसमें क्या किया है कि कुछ हम ये एक्स्ट्रा से लेकर हम इसमें कुछ अरेंज कर दिए कि जो हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर एक कंप्लीट रूप से बन जाए। ओके आइए देखिए, तो बी हमने क्या लिया, बी अपन 2a लिया दोस्तों। अब देखो प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये माइनस इसलिए किए, ये माइनस इसलिए किए कि जो ये हम जितना हम जोड़ते हैं उतना अगर हम घटा दे तो ये क्या होगा, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन यही हमारा कंप्लीट रूप से फिर मिल जाएगा। तो इसलिए हम करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें कोई चेंज ना हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जोड़ते हैं और घटाते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन हो उसमें कोई इफेक्ट ना हो। आइए देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो यहां तक बना होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये सेट कर दिया इसको। तो देखिए ये क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस बी अपन 2a का क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके अब देखिए x प्लस बी अपन 2a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, अब इक्वल के उस साइड में इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसी स्टेप को ऊपर में लिखते हैं, इसी स्टेप को यहां लिखते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, इसी इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं, x प्लस बी अपन 2a इज इक्वल टू क्या लिखा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस a माइनस सी। ओके अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस बी अपन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, 4ac अपन 4a स्क्वायर। ओके यार ये सी अपन ए आएगा ना यार, या अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये सी अपन ए टोटली आ जाएगा ना, ये सी अपन ए, आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करते रहिए, सी अपन ए जहां भी थोड़ा सा गलती हो रहा है वहां थोड़ा सा आप लोग हिंट कर दीजिए। ओके अब देखिए ये सी अपन ए हो जाएगा, ये टोटल में सी अपन ए हो जाएगा, ये यहां भी क्या हो जाएगा सी अपन ए, आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लो। अब देखो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर है ना। अब देखिए हमने यहाँ क्या इसका सिंपली क्या किया, एलसीएम टेक कर लिया, एलसीएम टेक करने पर कितना आया 4a स्क्वायर। ओके अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये स्क्वायर में इक्वल के उस साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर में हो जाएगा, x प्लस बी अपन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर के ये जो स्क्वायर है हमारा इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या आता है, स्क्वायर प्लस माइनस में आता है, एक प्लस में भी वैल्यू आता है और एक माइनस में भी आता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ये क्या हो जाएगा इसका 2a हो जाएगा, टोटली इसका ये रूट ओवर लेंगे तो। अब देखिए ये क्या है, यहाँ ये प्लस में है तो इसको भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपन 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ओके अब देखिए अब इस दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम टेक कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या आ जाएगा, टोटली 2a, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू ये जो निकल कर आया x इज इक्वल टू, और ये ऊपर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना निकल कर आया 2a। यही जो होता है ये मिलने क्या होता है हमको, किससे हम निकाले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी कि ये जो हमारा जो ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो जनरल इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं कि एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने बताया आपको, एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूं कि ये जो हमारा जो किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसको उसके कोफिशिएंट को क्या करता है, रिप्लेस करते हैं, उसके कोफिशिएंट को रिप्लेस करते हैं। तो उसी तरह मैंने यहां रिप्लेस किया, ये यहां ये इसका कोफिशिएंट है तो सारी इक्वेशन में क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया। आइए अब एक क्लियर करते हैं एक क्वेश्चन लेकर, ओके क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हमको किससे सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी पढ़ रहे हैं, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
देखिए क्या करते हैं, मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशियंट होता है उसको क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। देखिए मैंने बताया कि बार बार ये फंडा है, ये सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी इक्वेशन जो भी हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशियंट होगा जितना होगा उसे क्या कर देंगे, इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। अगर हम बात करते हैं, मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि ये जो हमारे इक्वेशन मैंने जो एक डिजाइन किया जो लिखा इक्वेशन उसका जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशियंट है दोस्तों ये क्या है, 9 है। ये 9 को क्या हम कर देते हैं कि सारी इक्वेशन में 9 का डिवाइड कर देते हैं तो ये मेनली जो x स्क्वायर का ये जो कोफिशियंट होगा ये 9 है वो रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। आइए देखिए करते हैं, सारे में इक्वेशन में 9 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9 x प्लस 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको कुछ कट पिट कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कर देते हैं, ये तो कितना आ जाएगा 5, ये 3, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। सिंपली मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3y 2y3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं, फिर मैंने वही बात ये बोला कि जो जिस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था उसको उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर रहा था उसी तरह फिर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां a प्लस b के होल स्क्वायर में इसको क्या करना है, सेटअप करना है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये इसको इसी में क्या करना है, हमको कुछ स्प्लिट करना है, इस मिडिल टर्म को हमको क्या करना रहता है, इसको स्प्लिट करना रहता है, ऐसा कि कुछ जोड़ दे कुछ घटा दे तो क्या हो कि ये जो हमारा मिडिल टर्म है वो सेम ही बना रहा है, उसमें हमें कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई इक्वेशन में इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए आफ्टर डिवाइड करने के बाद इक्वेशन हमारा क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये कितना एक्स है, अब देखिए 5 अपन क्या कर देते हैं यहाँ 6, 2 3 जा 6 यानी 5x अपन 3 ये मिल गया हमको प्लस 5 अपन 6 का होल स्क्वायर, बी कितना लिया 5/6 लिया है। अब देखिए माइनस जो स्क्वायर करते हैं उसको भी ये माइनस भी करते हैं क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल इक्वेशन है वही ओरिजिनल इक्वेशन बना रहा है उसमें कोई चेंज ना हो, तो 5 अपन 6 का होल स्क्वायर प्लस 2y3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब क्या करें, अगर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखे जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये सेटअप हो गया है। आइए देखिए ये क्या हो गया, x माइनस 5 अपॉन 6 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये देखिए इसको ओपन कर दीजिए, 25 अपॉन 36 हो जाएगा प्लस 2y3 हो जाएगा इज इक्व टू 0। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस को ये इक्वल के उस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस में हो चला जाएगा 25 अपॉन 36 और ये क्या हो जाएगा माइनस 2y3 इज इक्वल टू 0 प्लस में। अब देखिए इसी को सॉल्व यहाँ करते हैं, x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 36 माइनस 2y3, इसी को क्या मैंने ऊपर लिख दिया आपको दिखने के लिए। ओके, अब देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 25 माइनस 24 आ जाएगा ये। अब देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 आ जाएगा। देखिए ये टोटली क्या है, ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में इक्वल के उस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर में आ जाएगा। x माइनस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन 6 आ जाएगा, रूट ओवर टेक करेंगे तो ये 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, आइए अब देखिए, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा 5/6 प्लस माइनस 1 अपॉन 6, यानी कि देखिए x की ये जो वैल्यू आई एक बार इसमें जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यानी कि x इज इक्वल टू हम क्या प्राप्त कर लिया, x इज इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस 1 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 5 प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 आ गया, और एक घटा देते हैं, 5 माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 6 2 और 3, यानी कि x की कितनी वैल्यू निकाली हम यहां से, दो वैल्यू निकाली, एक 1 और एक 2/3, यानी कि हम इसको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए x की कितनी वैल्यू फाइंड कर लिए, एक और दो, यानी कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा दोस्तों, दो होगा, एक 1 होगा और एक 2/3, ये दोनों इक्वेशन ये दोनों रूट्स को इस दोनों रूट्स को ये जो x की वैल्यू आया है अगर इस इक्वेशन में हम सेटिस्फाई कराएं तो ये मेनली हमको क्या मिल जाएगा, 0। अगर 0 नहीं आता है तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन ये गलत है, अगर 0 आ जाता है तो ये सॉल्यूशन क्या है, पूर्ण कंप्लीट रूप से ये सही है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2,
2x square minus 5x plus 3 is equals to 0. Okay, देखिए, concentrate करिए. फिर वही एक मैंने इक्वेशन लिया, इसको सॉल्व करना है किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. आइए देखिए, मैंने बार बार बोला है कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया होगा जिसका हाईएस्ट डिग्री पावर का, जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा उसका जो कोफिशियंट होगा उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, यूनिटी बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, यूनिट डिजिट बनाएंगे. देखिए तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, दो है, इसको हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है. तो मैंने बताया है कि बार बार अगर रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट को रिप्लेस करना है, तो जो वैल्यू दिया है, जो दिया है, उसको उस सारे इक्वेशन में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, उसे डिवाइड कर देना. आइए देखिए, इसे डिवाइड कर देते हैं. 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0 upon 2 हो जाएगा. ओके, अब देखिए, x square minus 5x upon 2 plus 3 by 2 is equals to 0. अब देखिए, फिर मैंने बताया कि इसको क्या करना है, a plus b के होल स्क्वायर में सेटअप करना है, कुछ तोड़ना और कुछ जोड़ना और कुछ घटाना होगा. अब देखिए, x square minus 2x 5 upon 4 हो जाएगा. ये देखिए, 2 जा 4 होता है, यानी कि 5x by 2 आ जाएगा. यही हमको ये लिखना है. इसी को मिडिल टर्म क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं. स्प्लिट इस प्रकार करते हैं कि कुछ जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं, कि उसे हमारा क्या मिडिल टर्म ही मिल जाए. अब देखिए, b हमने यहाँ क्या लिया, 5 by 4, तो इसी को ये क्या हो जाएगा, 5 by 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 by 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 by 2 is equals to 0. अब देखिए, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक a minus b का whole square बन गया दोस्तों. तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, x minus 5 by 4 का whole square minus, इसको open कर देते हैं, 25 upon 16 plus 3 by 2 is equals to 0. अब देखिए, x minus 5 by 4 का whole square, अब यही सॉल्व कर लेते हैं, कम स्पेस है, यही सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए, ये 16 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, सॉरी 16, ओके, तो 25 minus 24 is equals to 0. अब देखिए, ये क्या, इसी को यहाँ लिख देते हैं, x minus 5 by 4 का whole square minus 25 plus 24 अपन 16 is equals to 0. ये देखिए, आप टोटली इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x minus 5 by 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन 16 is equals to 0 हो जाएगा. तो x minus 5 by 4 का होल स्क्वायर is equals to इक्वल के उस साइड में प्लस में आ जाएगा 1 अपन 16. ये देखिए, स्क्वायर में है तो इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर में आ जाएगा. x minus 5 by 4 is equals to प्लस माइनस 1 by 4 आ जाएगा. मैं डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, वो 1 by 4 हो जाएगा. अब देखिए, x की वैल्यू क्या क्या निकल सकता है, 5 by 4 प्लस माइनस 1 अपन 4 आ जाएगा. देखिए, एक बार जोड़ दीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 अपन 4 आ जाएगा, और एक बार घटा दीजिए, 4 अपन 4 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1. ये देखिए, जो x की जो मेनली ये जो वैल्यू आया है, 3 बाई 2 और 1 जो वैल्यू आया है, ये क्या है कि ये x के दो ऐसे रूट्स हैं कि इस इक्वेशन में, जो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर रख दिया जाए तो ये क्या होगा कि ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देगा. या मतलब कि LHS is equals to RHS, यानी कि दोनों साइड में क्या होगा, जीरो हो जाएगा. यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कुछ इस तरह से हम लोग फंडा लगाते हैं. आपके आपके बुक में जितने भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन है, यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जितने भी मेथड्स होंगे, यूजिंग द फार्मूला मेथड, यानी जितने भी मेथड्स होंगे उस मेथड से आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. यानी जो मेथड दिया होगा, जो मेथड लिखा होगा क्वेश्चन में, उसी मेथड से. ऐसा है कि क्वेश्चन में लिखा हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, आप उसको कर दिए फैक्टराइजेशन मेथड से, एक्चुअली क्या होगा, सही तो है आपका जो क्वेश्चन बनाया सही है, बट जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, आप फैक्टराइजेशन मेथड से आपके नंबर क्या होंगे, रिड्यूस हो सकते हैं. इसीलिए आपको ये बात ध्यान में देना होगा, ये सब कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड, ये सब क्या होता है. आइए देखते हैं, अब दूसरे टॉपिक पर मूव कर जाते हैं, फार्मूला मेथड पर. आइए, ओके ओके दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा. मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कंसेप्ट मेरा समझ में आया होगा. ये बहुत बेसिक और एलिमेंट्री कंसेप्ट होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए. आइए देखते हैं, मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्मूला मेथड है, ओके, फार्मूला मेथड. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग
ये फार्मूला मेथड। देखिए दोस्त, बार बार मैंने बात ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको माइंड में सेटअप करना होगा, क्योंकि जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कई क्वेश्चन को क्या कई क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसी ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो है। इस कंडीशन को लिखना जरूरी होगा। देखिए फार्मूला मेथड को हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जो बेसिकली जो फार्मूला मेथड होता है, देखिए मैं फार्मूला में पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसको उसका अप्रोच बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड बताऊंगा कि वो फार्मूला कैसे निकलता है। आइए देखते हैं, x इज इक्वल टू होता है दोस्त माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन में टू ए। ये देखिए ये जो बेसिकली ये जो फार्मूला होता है इसी को बोलते हैं एस आर डी फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। और ये देखिए ये सबसे बेसिक चीज ये है कि ये फार्मूला आता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर ये फार्मूला अगर नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा अप्रोच थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा। इसलिए उसको ईजी बनाने के लिए इस फार्मूले को पहले हमको स्टडी करना होगा, थोड़ा डीप में जाकर स्टडी करना होगा कि ये फार्मूले आता कहाँ से है, उसके लिए अभी हम स्टडी ये कर रहे हैं। आइए देखिए इस फार्मूला को बोलते हैं क्या, एस आर डी श्रीधराचार्य, लिख दे रहा हूं यहां श्रीधराचार्य जी। यार मेरे बहुत ये आइडियल पर्सन है यार श्रीधराचार्य जी, इसलिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना तो बनता ही है। आइए देखते हैं, बेसिकली जो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस इक्वेशन में अगर ए का मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो क्या मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई बाई ए, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा यार, स्पेस भी कम है। चलिए देखते हैं मैनेज करेंगे इधर कहीं भी। देखिए इस इक्वेशन में मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ए का मल्टीप्लाई किया है। देखिए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके इसको अच्छे से लिख दे जीरो। अब देखिए इसको क्या फिर बनाएंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सेटअप इसको करेंगे। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को इसको अरेंज करना है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ए एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू क्या होता है ए एक्स इंटू बी। ये देखिए ये क्या हमारा ये जो मिडिल टर्म है इसको ये आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा b अपन अगर 2a करेंगे तब तो ये हमारा मिलेगा ए बी एक्स ए बी एक्स, ये 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टोटली हमारा क्या मिल जाएगा ए बी एक्स मिल जाएगा प्लस b बाई टू का होल स्क्वायर माइनस b बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। ओके अब देखिए फिर से कंसंट्रेट करेंगे, यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर सेटअप हो गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सेटअप हो गया। देखिए तो ए एक्स प्लस बी बाई टू का ये क्या हो गया है होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं माइनस इसको इक्वल के उस साइड में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपन फोर माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक अब देखिए ए एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एलसीएम टेक कर लिए अपन फोर में आ जाएगा। ओके अब देखिए ये जो स्क्वायर में मैंने बार बार बोला है कि स्क्वायर में इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे तो रूट ओवर में आ जाएगा। अब देखिए ए एक्स प्लस बी बाई टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, फोर का स्क्वायर रूट क्या आता है टू होता है। देखिए इसी बात को यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा, देखिए स्पेस कम होने से ऊपर में लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू है दोस्तों। अब देखिए अब इसको क्या करना है, ये b बाई टू है इसको इक्वल के उस साइड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं भेज देते हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब देखिए
तो ये ax is equals to क्या होगा, इसका LCM टेक कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब देखिए ये a है, a का ये क्या मल्टीप्लाई कर दूं तो ax is equals to क्या मिल जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन क्या हो जाएगा, टोटल टू है। ये देखिए ये लास्ट राउंड में ये हम क्या कर लें, फार्मूले को ड्राइव कर लिए, फार्मूले को डिराइव कर लिए कि ये फार्मूला आता कहाँ से। देखिए ये हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें मैं क्या किया था कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम करने के लिए स्टडी किए थे कि जो जिसका हाईएस्ट डिग्री के कोफिशियंट है उसको क्या क्या रिप्लेस कर दिया था, या इसमें मैं क्या ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुछ भी आप फंडा यूज कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको ईजी फील हो, ये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ ये जो श्रीधराचार्य जो ये फार्मूला होता है ये डिराइव करने का कुछ ये बेसिक फंडा होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आइए कुछ इसके क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन से इसको देखेंगे। ओके क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन से चीजें क्या होगा, ज्यादा क्लियर होगा। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फार्मूला किस तरह डिराइव करते हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसकी यहां दो वैल्यू आई है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू सॉल्व करेंगे वो कितना मिलेगा, दो रूट्स आएगा। देखिए यहाँ पर भी दो रूट्स है, एक से इसको देखिए माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए, एक प्लस के फॉर्म में है और ये देखिए, और एक से इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए, एक माइनस के फॉर्म में। इसी को बोल देते हैं एक अल्फा बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं एक बीटा बोल देते हैं। ये एक रूट से इसको मेनली रूट से डिनोट कर देते हैं, जो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है एक अल्फा के फॉर्म में होता है और एक बीटा के फॉर्म में होता है, उसी को अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए बोल देते हैं, और एक बीटा को क्या बोल देते हैं सिमिलरली माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए बोल देते हैं। इसी रूट्स को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। आइए देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से किस तरह इस पर अप्रोच सेट करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक हम क्वेश्चन लिए और इसको हमको फार्मूले मेथड से सॉल्व करना है। देखिए फार्मूले मेथड से सॉल्व करना है तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ लिखा हूँ इसको ये कंपेयर कराना है, एक कंपेयर कराना है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ ए की वैल्यू 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, और सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं, एक बार फार्मूले फिर से लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन में टू ए। ओके अब देखिए x इज इक्वल टू क्या, फिर अब वैल्यू पुट करें, वैल्यू सबका पुट करें, तो ये b इज इक्वल टू माइनस 5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रूट ओवर b कितनी है माइनस 5 है, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा माइनस 4, a कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, c कितना दिया है 3 दिया है अपन a कितना दिया है यहाँ 2 दिया है, यानी कि 2 into 2 हो जाएगा। यानी कि मैंने बेसिकली इसमें क्या किया है कि सारे वैल्यू को क्या क्या पुट रखने की कोशिश किया है। अब देखिए x is equal to क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 4 2 जाए 3 जाए 24 24 अपन 4 हो जाएगा। तो x is equal to क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 25 माइनस 24 1 हो जाएगा अपन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए रूट ओवर 1 का क्या होता है 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपन 4 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं एक बार 6 बाई 4 हो जाएगा, और एक 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपन 4 हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि x की कितनी वैल्यू आ गया 3 बाई 2 आ गया है और एक 1 आ गया, 3 बाई 2 और एक 1 आ गया। यानी कि ये जो x की वैल्यू जो वैल्यू फार्मूले को रखकर, यानी कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एज ए फार्मूला मेथड, एज ए फैक्टराइजेशन मेथड, एज ए यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई भी फार्मूला आप यूज कर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बट आप यदि आप लोग अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोग को ये एक बात ध्यान में देना होगा कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा कि अगर कि यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड या और फार्मूला मेथड, तो वो कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, उस प्रोसेस से यूज क्वेश्चन और डिजाइन कर रहा हूं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है फार्मूले मेथड से सॉल्व करना है। ओके दोस्तों देखिए कंसंट्रेट करिए, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको क्या करिए कंपेयर करा दीजिए, सारे वैल्यू ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए ए की वैल्यू कितना यहां से निकल जाएगा,
a की वैल्यू कितना निकल जाएगा बोलिए आप लोग, 3 हो जाएगा। v के वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर ये सॉरी फार्मूला क्या होता है, x = क्या हम जानते हैं, -b + √b² -4ac अपन में 2a होता है दोस्तों। अब देखिए x = अब वैल्यू पुट करिए, सारे a b c की वैल्यू पुट करिए, -b कितना है 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, प्लस माइनस 16 हो जाएगा, -4 a कितना दिया है 3 दिया है, c कितना दिया है 6 दिया है, कंसीडर करिएगा अपन 2a, a की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। अब देखिए x = क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 6 जा 72 अपन में 6 आ जाएगा। x = 4 प्लस माइनस रूट ओवर में 72 में से 16 का माइनस करिए कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये -56 आ रहा है यार और 6 आ रहा है। ये एक बात इंपॉर्टेंट बात हमको यहां से ये पता चला कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर उसका रूट्स अगर माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। उसको हम लोग किससे डील करते हैं, वो जो इमेजिनरी नंबर जो आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग स्टडी करते हैं। ये देखिए ये रूट ओवर में -56 है, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं। आइए देखिए हम देख रहे थे कि इसका जो एक रूट्स आएगा ये क्या है, इमेजिनरी नंबर को ये इसका रूट्स आएगा, इमेजिनरी नंबर। इसका रूट्स कैसा आएगा दोस्तों, इमेजिनरी नंबर आएगा। ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि अगर रूट ओवर में अगर कोई भी रियल नंबर अगर निगेटिव में होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। आइए देखिए इमेजिनरी ये कुछ रूट्स के बारे में बात करते हैं, देखिए जो मेनली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे, जो रूट्स आएगा जो अल्फा और बीटा जो वैल्यू आएगा जो रूट्स आएगा वो मेनली क्या क्या हो सकता है, एक रेशनल फॉर्म में हो सकता है, एक रेशनल रूट्स आ सकता है। जैसे कि और सब पिछले में जितना भी कोई ये उसका रूट्स आया है वो सब कितना कैसा है, रेशनल रूट्स आया, एक इरेशनल रूट्स हो सकता है और एक तीसरा क्या हो सकता है, एक इमेजिनरी नंबर हो सकता है। ये देखिए इमेजिनरी रूट्स, ये जो हम अभी हम लोग एक ये क्वेश्चन लिए थे ये इसका रूट्स कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहा है। ये देखिए एक और क्वेश्चन एक लेते हैं, एक क्वेश्चन से और ये अपने आप को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि कैसे होता है। 4x² + 2x - 3 = 0। देखिए फिर भी वही बात फार्मूले मेथड से यूज करना है, तो पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे क्या होता है, x = -b + √b² - 4ac अपन में 2a होता है। ओके, अब देखिए फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, abc की वैल्यू को निकालेंगे, abc वैल्यू को कंपेयर करेंगे। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c को क्या करेंगे, इस ओरिजिनल इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराकर abc की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए a = क्या हम लिख सकते हैं 4, b = क्या लिख सकते हैं 2 और c = -3। अब देखिए फिर नाउ लेट अस पुट द वैल्यू इन फार्मूला, -b + √b² - 4ac / 2a। आइए ओके x = क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू -b कितना है -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी 4 -4 a कितना है 4 है, c कितना है -3 है, ओके अपन 2, a कितना दिया है 4 दिया है। अब देखिए x = इसको ओपन करते हैं, -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 -, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4 जा 16 3 जा 48 अपन 8। ओके तो x = क्या, -2 प्लस माइनस रूट ओवर 48 फोर 52 अपन 8। ये देखिए ये जो ये वैल्यू आया ये कैसा निकल कर आया, ये कैसा निकल कर आया, इरेशनल रूट्स निकल कर आया, इरेशनल रूट्स की वैल्यू यहाँ निकालें, इरेशनल रूट्स निकल कर आया। यानी कि मतलब ये होगा कि जो ये रूट ओवर 52 अपन 8 है ये कैसा ये है नंबर है, इसका कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स को क्या बोल देंगे, इरेशनल रूट्स बोल देंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इमेजिनरी रूट्स के लिए, क्वेश्चन एक लेते हैं, -2x + 3 = देखिए क्या आता है, फिर कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है, a = क्या लिख सकते हैं
टू, बी इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू कितना आएगा 4, बी इज इक्वल टू माइनस टू और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस फार्मूले लिख दे रहे हैं, माइनस बी माइनस पी अपन में 2a। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, माइनस बी कितना है 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4, ए कितना दिया है 4, सी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, अपन में 2, ए कितना दिया है 4 दिया हुआ है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 48 अपन में 8 हो जाएगा। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं यहाँ सॉल्व करके टोटली, प्लस माइनस रूट ओवर 48 में से 4 गया कितना 44 है, माइनस 44 आएगा। यार एक बात बताइए, फिर मैंने ये इसका रूट्स कैसे आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए यार, इसके रूट्स जो आ गए इमेजिनरी आ गए, इमेजिनरी रूट्स। फिर इमेजिनरी रूट्स की स्टडी करने के लिए हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर से उसको स्टडी करेंगे, इमेजिनरी रूट्स की वो किसे स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। आइए एक बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स के लिए, एक बात बोलिए कि अगर रूट ओवर 4 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस और माइनस 2 होता है। अब देखिए ये जानते हैं कि ये कैसे प्लस माइनस 2 होता है, रूट 4 की वैल्यू एक प्लस 2 भी होता है और एक माइनस 2 भी होता है। आइए कुछ समय के लिए थोड़ा कंसंट्रेट करें कि कैसे ये प्लस माइनस 2 आता है। अगर सपोज दैट यहाँ रूट ओवर 4 इज इक्वल टू क्या हम लेते हैं, एक्स लेते हैं, लेट कर लिया लेट, अगर दोनों ओर स्क्वायर कर दें, दोनों ओर स्क्वायरिंग करें तो क्या आ जाता है 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, ओके। तो एक्स माइनस 2 और एक क्या हो गया x प्लस 2, इसका फैक्टर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको कन्वर्ट कर दिए, तो x की वैल्यू यहाँ नॉर्मली हमको क्या मिल गया, जीरो से करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक प्लस 2 आ जाएगा और एक माइनस 2 आ जाएगा। यही जो मेनली ये जो बेसिक ये जो कंसेप्ट है जो इमेजिनरी नंबर का ये जो कंसेप्ट है ये क्या किससे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कम्प्लेक्स नंबर से पढ़ने वाले हैं। तो आइए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेसिक कम्प्लेक्स नंबर का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो के लिए मिलते हैं।